लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी। जातीय गणना पर बोले नीतीश, सभी दलों से बात कर लेंगे फैसला। तेजस्वी बोले, देश भर में होनी चाहिए जातीय गणना। जेडीयू में टूट के सवाल पर नीतीश कुमार का करारा जवाब। जातीय गणना पर बोली बीजेपी, आंख में धूल झोंक रही सरकार। बागेश्वर बाबा फिर पहुंचे बिहार एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। कांग्रेस का बीजेपी के सवर्ण नेताओं को खुला ऑफर, इधर आइए। जातीय गणना पर कुशवाहा ने उठाया सवाल, बोले रिपोर्ट गलत। पितृपक्ष मेले में नीतीश सरकार की विशेष तैयारी, सब कुछ फ्री। नालंदा में बीजेपी नेता पर चली गोली, इलाके में खलबली। अब खबरें विस्तार से। बिहार में हुई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आज जारी कर दी गई है। गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 27.13% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% और सामान्य वर्ग 15.52% है। बिहार में हुई जाति गणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 13,07,25,310 पाई गई है। इसमें बिहार के बाहर रहने वालों की कुल संख्या 53,72,022 है, जबकि बिहार राज्य में रहने वालों की कुल संख्या 12,53,53,288 है। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि आगे क्या कदम उठाए जाए, इस पर अभी कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि कल बिहार के सारे राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में राज्य सरकार के अधिकारी जातीय गणना का प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि देखिएगा आगे क्या होता है, फिलहाल वे सभी दलों की राय जानेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि वो क्यों नहीं पूरे देश में जातीय गणना करा रही है, क्यों पूरे देश में अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। जातीय गणना की रिपोर्ट के सामने आने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जातीय गणना की मांग को नकार दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने अपने बलबूते जातीय गणना कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा कितनी बार बाधा पहुंचाई गई, लेकिन इसके बावजूद हम इसे बिहार में कराने में सफल हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट से अब गरीबों के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। वहीं उन्होंने फिर से दोहराया कि केंद्र सरकार को देश भर में जातीय जनगणना कराना चाहिए। जेडीयू में टूट और फूट के दावे करने वाली बीजेपी को आज सीएम नीतीश ने जवाब दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि उनको तोड़ना है तो कहिए न तोड़ते। दरअसल गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ पटना के शास्त्री नगर पार्क में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया ने उनसे सवाल किया कि बीजेपी कह रही है कि जेडीयू में टूट होने वाली है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि अगर उनको तोड़ना है तो कहिए ना तोड़ दे। दरअसल बीजेपी के नेता नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में टूट के दावे कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी कह चुके हैं कि जेडीयू का अब आरजेडी में विलय होगा या फिर उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के साथ ही इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार से आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जारी करने की मांग की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जातीय गणना में हमारा समर्थन था, आज जो रिपोर्ट आई है उसका हम अध्ययन करेंगे, ये किस नियम के तहत किया गया है और उसके बाद ही इस पर बोलना कुछ उचित। सम्राट चौधरी ने कहा कि आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं जारी किया गया है, ये भी जारी किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब अपने जातीय गणना किया तो यह तय हुआ था कि किसका विकास हुआ किसका नहीं, सब कुछ जारी किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं किए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जातीय गणना पर कहा कि सरकार द्वारा जारी किया गया आंकड़ा पूरी तरह से गलत है। उन्होंने जातीय गणना की रिपोर्ट को बिहार के लोगों की आंख में धूल झोंकने वाला बताया। आज दूसरी बार बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए हैं। शाम में वो गया एयरपोर्ट पहुंचे। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 4 अक्टूबर तक गया में रहेंगे। जब वे गया में पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ जुटी दिखी थी, साथ ही भाजपा के भी कई नेता वहां पे मौजूद थे। बताया जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गया पहुंचे हैं। इस दौरान ना कोई उनका दिव्य दरबार लगेगा ना ही कोई प्रवचन होगा।
इन दिनों भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का स्वर्ण को लेकर अपनी ही पार्टी पर की गई टिप्पणी से सियासी बिसात शुरू हो गया है। अब इस पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि चाहे कोई भी जाति के लोग हो, सबकी इज्जत है तो वो है कांग्रेस पार्टी। सबको समान दृष्टि से देखती है, सबका सम्मान करती है। साथ ही उन्होंने भाजपा विधायक से जल्द कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने आगे कहा कि भाजपा नेता या फिर किसी भी पार्टी के नेताओं को पार्टी में घुटन हो रही हो तो वो कांग्रेस में शामिल हो जाए। आज बिहार में जातीय आधारित सर्वे का रिपोर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से सियासत शुरू हो गई है। अब आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट आधा अधूरा है। बिहार में बहुत लोगों से जाति नहीं पूछी गई थी, मेरे पास भी कोई सरकार का कोई अधिकारी या कर्मचारी जात पूछने नहीं आया था। उन्होंने आगे कहा कि चुनावी लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनन फानन में आधा अधूरा रिपोर्ट जारी किए हैं। 28 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलने वाले पितृपक्ष मेले को लेकर नीतीश सरकार द्वारा विशेष तैयारी की गई है। गयाची में तीर्थ यात्रियों के लिए सरकार द्वारा बेहतर व्यवस्था दी जा रही है। आपको बता दें कि इस बार नीतीश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा देश विदेश से आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क आवासन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए गया के गांधी मैदान में टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है। इस वर्ष टेंट सिटी में 2500 आवासन की व्यवस्था की गई है। खुद डीएम घूम घूम कर निरीक्षण कर रहे हैं। नालंदा के रहुई थाना इलाके के बेटा सरमेरा पथ पर हवनपुरा गांव के समीप बेखौफ बदमाशों ने भाजपा नेता को गोली मार दिया, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल व्यक्ति का नाम संदीप कुमार उर्फ सोनल सिंह है। ये रहुई मंडल भाजपा के महामंत्री के पद पर हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ये आज सुबह अपनी पत्नी श्वेता सिंह के साथ बाइक से गंगा स्नान के लिए बाट जा रहे थे। उसी वक्त हवनपुरा गांव के समीप बाइक से पीछा कर रहे दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे और जिसमें से एक गोली उन्हें लग गई। पत्नी का कहना है कि बदमाशों ने तीन फायरिंग किया। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक दोनों बदमाश गोली मारने के बाद रहुई की तरफ भाग गए। रहुई थाना अध्यक्ष नंदन सिंह ने बताया कि गोली मारने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।